ट्रंप ने बेटी को भी नहीं छोड़ा। एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? जीत के बाद फिर चर्चा में पुराने विवाद। एक बार फिर ट्रोल होने लगा ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड के एक इंटरव्यू ने सबको चौंकाया। बेटी इवांका के फिगर पर की टिप्पणी, बोले अगर बेटी ना होती तो डेट करता। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और विवाद। डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से पुराना नाता रहा है। जितनी शोहरत उनकी झोली में है उतने ही विवाद भी उनके पीछे रहे हैं। कई बार वो अपनी हरकतों और बातों से खुद ही आफत भी मोल ले लेते हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की काफी चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से पीछे नहीं हटते और अपने मजाकिया स्टेटमेंट्स की वजह से खबरों में भी बने रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी बेटी इवांका ट्रंप के लिए भी ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनकी काफी चर्चा होने लगी। अब चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर उनके इंटरव्यू को रिकॉल किया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इवांका को लेकर क्या क्या कहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात साल 1997 की है, जब इवांका ट्रंप 16 साल की थी और मिस टीन यूएसए कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रही थी। उस वक्त इसी इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मौजूद मिस यूनिवर्स से ये पूछ लिया था कि क्या आपको नहीं लगता कि उनकी बेटी हॉट है। वे हॉट है ना। बता दें कि पिछले चुनाव में इवांका ही पिता डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइजर थी और चुनाव प्रचार में उनके साथ रहती थी। उस वक्त इवांका ने कहा था कि उनके पिता हम सभी के लिए हर दिन कड़ी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही हॉवर्ड स्टर्न शो में एक इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने अपनी बेटी इवांका के लिए एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका मतलब आकर्षक, कामुकादी होता है, और उन्हें एक शानदार लड़की बताया था। इसके बाद फिर से उन्होंने इवांका की तारीफ की और कहा था कि दुनिया की सबसे महान सुंदरियों में से एक है इवांका। वहीं 2006 में एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि उसका फिगर अच्छा है, अगर इवांका मेरी बेटी ना होती तो शायद मैं उसके साथ डेटिंग कर रहा होता। हालांकि ट्रंप ने ये मजाकिया अंदाज में कहा था और वो अक्सर अपने इस मजाकिया अंदाज के लिए चर्चा में भी रहते हैं और खुलकर स्टेटमेंट देते हैं। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।